आने वाले 12 अप्रैल 2021 को नवरात्रि शुरू होगी। नवरात्र के समय में, चैत्र के नवरात्र के समय में हम लोग कुछ पाठ करते हैं और राम जी की कथा सुनते हैं, और हर बार राम जी की कथा एक अलग भाव में, एक अलग अर्थों में सुनते हैं। इस बार भी हम राम जी की कथा सुनेंगे 12 अप्रैल से, और एक अलग भाव में रामचरितमानस की, श्री रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, उनके जो भाव हैं, हम भावानुवाद करेंगे, आप उनका भाव सुनेंगे। आप सबको मंदिर श्री दक्षेश्वर धाम, मंदिर श्री केतुमालेश्वर धाम में राम कथा सुनने के लिए हम निमंत्रण देते हैं। आप सब आइए और राम कथा सुनने का आनंद लीजिए। अगर आप रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, चौपाइयाँ गा सकते हैं, तो रामायण जी को लेके आइए, मानस जी को, हम लोग साथ में मानस जी का पाठ करेंगे और राम कथा गाएंगे साथ में, और साथ में मिलके उसका भाव सुनेंगे और करेंगे भी। तो 12 अप्रैल से 21 अप्रैल तक श्री रामचरितमानस की कथा होगी, राम जी की कथा होगी। तो आप सबको निमंत्रण है, आप सब आइए और राम कथा में सहभागी बनिए। नवरात्र का समय है, आप मंदिर आकर के भगवान को पान, फूल, प्रसाद, दक्षिणा चढ़ा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। मंदिर सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक खुलेगा, आप आइए, आपका स्वागत है। जय श्री राम।